फ्रेंड्स, आज हम लोग गैसियस स्टेट पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे. एंड क्वेश्चन इज, टू क्लोज्ड बल्ब ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेनिंग ऑफ एन आइडियल गैस इनिशियली एट अ प्रेशर पी आई, प्रेशर पी आई है, एंड टेम्परेचर टी वन आर कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ट्यूब ऑफ नेग्लेजिबल वॉल्यूम. ये जो ट्यूब है इसका वॉल्यूम नेग्लेजिबल लिया गया है, नेग्लेजिबल वॉल्यूम एज शोन इन द फिगर. ये आपको ये फिगर गिवन है नीचे. द टेम्परेचर ऑफ वन ऑफ द बल्ब इज देन रेज टू टी टू, मतलब टेम्परेचर को टी वन से टी टू किया जा रहा है. देन कह रहा है फाइंड द फाइनल प्रेशर पी एफ इज, फाइनल प्रेशर बताना है. जब कभी भी हम लोग कनेक्टिंग बल्ब की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो पहले हम ये देख लें कि इसमें क्या क्या कॉन्स्टेंट है. इससे हम इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने में हमें बहुत मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी. तो हम अगर चेक करें यहाँ पे तो हम देखेंगे टेम्परेचर बदल रहा है, टेम्परेचर T1 से T2 में जा रहा है, एंड टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है. प्रेशर भी बदल रहा है, प्रेशर पहले PI था, बाद में प्रेशर P फाइनल हो गया, यानी प्रेशर भी चेंज हो रहा है. यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड मोल्स भी कांस्टेंट होंगे. और डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मोल्स को कंजर्व करके, मोल अगर कांस्टेंट है अगर उसको लेके हम चलें तो क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है. तो हम कह सकते हैं कि मोल्स, इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू फाइनल मोल्स. इनिशियल मोल्स मतलब इनिशियली जितने भी मोल्स थे, अब फाइनल मोल्स दोनों इक्वल होने चाहिए. अब मोल्स के टर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो पहले कंपार्टमेंट जिसका टेम्परेचर T1 है, प्रेशर PI है, वॉल्यूम V है, इसका अगर हम मोल्स लिखना चाहें तो इसका मोल्स हो जाएगा PI V अपॉन R T1 प्लस दूसरे कंपार्टमेंट का जो मोल्स होगा वो हो जाएगा PI V अपॉन R T1 एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द. नाउ दूसरे सेक्शन में जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, अब हम यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर हमारा दोनों कंटेनर में सेम होगा तो प्रेशर हो गया हमारा पी एफ, एंड यहाँ पे जो हम मोल्स लिखेंगे पी एफ वी अपॉन आर टी वन प्लस पी एफ वी अपॉन आर टी टू. मोल्स कंजर्व हैं हमारे, तो यहाँ से हम इनिशियल मोल्स लिख सकते हैं और यहाँ से हम लोग फाइनल मोल्स. अब दोनों को हम इक्वेट करें, इस तरीके से जो इक्वेशन हम लोग फॉर्म करेंगे बहुत ही इजीली हम क्वेश्चंस को अब सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ से हम देखें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को कैंसिल कर दीजिए, आर ऑल्सो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. नाउ द वैल्यू इज टू पी आई अपॉन टी वन एंड दैट इज इक्वल्स टू द पी एफ को आप कॉमन कर लें, वन अपॉन टी वन प्लस वन अपॉन टी टू. नाउ पी एफ इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो यहां से आ जाएगा टी वन प्लस टी टू अपॉन टी वन टी टू एंड टू पी आई अपॉन टी वन. पी एफ वैल्यूज हमको यहां से फाइंड करना है तो यहां से टी वन कैंसिल हो जाएगा एंड देयर फोर पी एफ वैल्यू आ जाएगी हमारी टू पी आई टी टू अपॉन T1 plus T2 and therefore the answer will be B and the, this is the answer and answer will be B. Thank you.